अच्छा अभी 6 पॉइंट एक्सरसाइज है, 6.1 ही है ना, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखें, सर्कल सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली ये आ गया, एक्सटर्नली आ गया हमारे पास, जिसमें आर वन और आर टू को ऐड कर लेंगे। इंटरनली ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें, दो सर्कल हैं, वो एक्सटर्नली, एक्सटर्न मतलब बाहर से आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं। इसका रेडियस इधर से लेके इधर तक होगा आर वन, और इसका रेडियस आर टू इधर से इधर तक। तो दोनों का हमारे पास क्या बन जाएगा, आर वन प्लस आर टू। अब ये देखें दूसरे का, एंड दे आर टच ईच अदर इंटरनली इफ, उसका फॉर्मूला ये है। वो कैसे, ये देखें हमारे पास इसमें आ रहा है, अब ये देखें सबसे पहले तो ये बड़ा सर्कल है। अब ये जो बड़ा सर्कल है ना, उसका ये है सेंटर हमारे पास सी टू का। जो छोटा सर्कल है मतलब इधर से लेके आप इधर को चले जाएं, इधर को चले जाएं, जिधर को मर्जी चले जाएं, ये आ गया हमारे पास टोटल इसका डिस्टेंस इतना, यहां तक ये आ गया इसका आर टू टोटल। अब हमारे पास जो है दूसरा, वो हमारे पास इधर से है सेंटर, उसका ये सेंटर लिखा हुआ है। इधर से लेके आप इधर चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, इधर से लेके इतना जो डिस्टेंस है इतना, ये है आर वन। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, आर टू, उसमें से आर वन माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इन दोनों का आ जाएगा, जो आपस में एक दूसरे को टच कर रही है ना, उनका डिस्टेंस। जैसे इन दोनों का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना था सेंटर का, तो वो कैसे हमने फाइंड आउट किया था। अब ये सेंटर, ये देखें ना आप, एक मिनट मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये सेंटर कहाँ कहाँ पे है, सेंटर है एक हमारे पास ये सेंटर आ रहा है, एक सेंटर ये आ रहा है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है। अब ये डिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, इतना डिस्टेंस तो हमारे पास है आर वन, और टोटल डिस्टेंस है आर टू। आर टू में से आर वन इतना डिस्टेंस जब निकाल देंगे, ये वाला डिस्टेंस आर टू में से निकाल देंगे, पीछे कौन सा रह जाएगा, वो ये वाला डिस्टेंस जो दोनों सेंटर्स के दरमियान आ रहा है। तो वही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो ये। अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नली या इंटरनली। अब कह रहा है शो डैट द सर्कल, ये वाला सर्कल एंड दिस सर्कल टच एक्सटर्नली। एक्सटर्नली है तो इसका मतलब दो सर्कल हमारे पास आपस में बाहर बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसमें पहले वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास। अब ये देखें, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, ये एक सर्कल आ गई हमारे पास, दूसरी सर्कल का ये आ गया। ये कौन सी फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म से हम सबसे पहले तो उनके सेंटर फाइंड आउट करते हैं, तो सेंटर फाइंड आउट करेंगे, रेडियस तो बाद में फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि हमने तो उन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है ना, ये वाला। अब ये देखें, अब ये हमारे पास आ गया, जब इसका सेंटर निकालेंगे तो इसको क्या रखेंगे हम, इसको रखेंगे हम बराबर जो फर्स्ट वन वाला है, फर्स्ट वन वाले को हम जब रखेंगे 2g, क्योंकि ये मैं इधर लिख देता हूँ आपको इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2g की, 2g इधर किसके बराबर आ रहा है, 2 के, 2g बराबर 2, g बराबर आ गया 1, फिर इधर से 2f बराबर माइनस 2 के, तो इधर से f बराबर आ गया माइनस 1। तो आपको पता है जब सेंट a और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 7। जब हम सेंटर निकालते हैं इसके, तो सेंटर आपको पता है सेंटर क्या करते हैं, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस g माइनस f,
माइनस जी करेंगे तो माइनस वन बन जाएगा, माइनस एफ करेंगे तो प्लस वन बन जाएगा, ये बन गया। अब जो हमारे पास रेडियस का फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म की इक्वेशन का रेडियस का फार्मूला हमारे पास होता है आर वन इक्वल टू, आर वन हमने इसलिए कह दिया, आर रेडियस इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा पेपर में आ चुका है। तो ये हमारे पास g की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। अब g और f की जो वैल्यू, ये वाली हमने फाइंड आउट की हुई थी, तो ये वाली वैल्यू अगर हम ये वाली वैल्यू भी पुट कर लेना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमने पहले फाइंड आउट की है वही हमने पुट करनी है g और f की। तो क्योंकि वो माइनस का इश्यू बनता है ना इसमें, माइनस जी माइनस एफ, तो वो माइनस स्क्वायर उसको क्या कर देगा, प्लस ही कर देगा। अगर आप ये भी पुट कर लें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास वन आ गया, इसका भी वन आ गया, सी हमारे पास माइनस सेवन था, माइनस सेवन पुट किया तो ये टोटल बन गया नाइन, तो ये बन गया हमारे पास थ्री। तो इतना डिस्टेंस हमारे पास उसका आंसर आ गया थ्री। अब दूसरे का हमने फाइंड आउट करना है आर टू, फाइंड आउट करना है आर टू के लिए इसको हम लेके चलेंगे दूसरी इक्वेशन को। अब दूसरी इक्वेशन को जब देखते हैं, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास वही काम, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, सबको हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उधर से टू जी माइनस सिक्स के बराबर आ रहा था, टू एफ फोर के और सी नाइन, जी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री, एफ की वैल्यू आ गई टू। तो जब इसके सेंटर देखते हैं तो वो सेंटर आ जाएगा हमारे पास माइनस जी माइनस एफ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और सी की वैल्यू ये है। आर टू जब हम फाइंड आउट करेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल का अंडर रूट, सी की वैल्यू पुट की, एफ की वैल्यू पुट की, सॉरी जी की वैल्यू पुट की, एफ की पुट की, सी की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद इसका जो रेडियस है वो क्या आ गया, टू आ गया। अब जो हमने उसने बोला है जो है सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली है तो हमें पता है सी वन और सी टू वो किसके बराबर आएगा, आर वन प्लस आर टू। एक तो ये भी है, अब ये देखें आर वन हमारे पास था थ्री और ये आ गया टू, टोटल कितना आ गया फाइव। अब साथ साथ हमने इनके सेंटर्स भी फाइंड आउट किए हैं जो ऊपर उसने बताया ना सेंटर, अगर आप सेंटर भी फाइंड आउट करके तो सेंटर सी वन से सी टू का डिस्टेंस फार्मूला लगा दें उस पर। तो ये देखें सेंटर इसके थे माइनस वन वन और दूसरे के सेंटर आए हैं हमारे पास थ्री और माइनस टू, ये वाले। तो ये देखें थ्री और जब उसको करेंगे माइनस माइनस वन तो वो प्लस हो जाएगा, और दूसरे में हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है टू आ रहा है, ये माइनस टू आ रहा है और उसमें था वन। मैं इधर लिख देता हूँ, दो सेट हमारे पास है सेंटर कौन कौन से हैं, एक है वन और माइनस वन और दूसरा है हमारे पास वन और माइनस वन नहीं था, एक मिनट, माइनस वन और वन था, अच्छा अभी ये देखें ये आ गया हमारे पास माइनस वन और वन और दूसरा था हमारे पास ये निकला जो थ्री और माइनस टू, थ्री माइनस माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो वो थ्री प्लस वन बन जाएगा, माइनस टू माइनस जब इसमें से करेंगे तो ये प्लस वाला है तो ये भी माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, ये बन गया फोर का स्क्वेयर और ये बन गया थ्री का स्क्वेयर, फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन और थ्री का स्क्वेयर नाइन अंडर रूट फाइव, ट्वेंटी फाइव बन जाएगा ना, तो अंडर रूट ट्वेंटी फाइव हमारे पास फाइव, तो इधर भी हमारे पास क्या है फाइव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया कि ये टचेस एक्सटर्नली कर रही हैं, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो भी उसके बराबर ही आना चाहिए था ना, सी वन और सी टू का डिस्टेंस उन दोनों के रेडियस के सम के बराबर ही आना चाहिए था, तो उनके रेडियस के सम के बराबर ही आ गया, हैंस बोथ सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। अली आठवां भी है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, ठीक हो गया।
अब कह रहा है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें फाइंड एन इक्वेशन। अब इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ अ सर्कल, सर्कल की रेडियस उसने बता दिया 2 है एंड टेंजेंट टू द लाइन। टेंजेंट आपको पता है कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे जो लाइन, वो क्या होती है, वो टेंजेंट लाइन कहलाती है, ये वाली टेंजेंट लाइन है। एंड टेंजेंट टू द लाइन ये एट पॉइंट, पॉइंट उसका जो भी पॉइंट ये वाला बनता होगा ना, ये वाला जो ए पॉइंट है, जैसे वो लास्ट टाइम हम लिखे थे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो उसमें से ए पॉइंट हमारे पास, ए पॉइंट पे ये टेंजेंट, ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन जो है वो कट करके गुजर रही है। और रेडियस उसने खुद ही बताया, रेडियस कितना है उसका, 2 है। रेडियस भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, सेंटर हमें पता है सेंटर उसका एच के होता है, और लाइन उसने खुद ही बताई हुई है। अब सेंटर हमारे पास एच के है, तो इन दोनों का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए सी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 2 के, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो रेडियस होता है वो दोनों, ये देखें इधर से सी से ए के जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो इधर से आ जाएगा एच -1 होल का स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया एच -1 होल का स्क्वायर के प्लस 3 होल का स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस फार्मूला लगाया किसके बराबर है, उसके रेडियस के बराबर। ए सी का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, उसके रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर दोनों बोथ साइड हमने स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। स्केलिंग बोथ साइड, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, ये पहले का आंसर आ गया, ये दूसरे का आंसर आ गया, 4 इधर आके -4 हो गया, उसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई। अब ये देखें जो कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास, अब बेसिकली हमने एच और के भी आंसर फाइंड आउट करने हैं ना। अब ये देखें हमारे पास, नाउ स्लोप ऑफ रेडियल लाइन, रेडियल लाइन ए सी, ए सी जो है ना हमारे पास, इसकी रेडियल लाइन, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इसकी स्लोप, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, जब दो पॉइंट्स दिए हों आपके पास, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला तो y2 - y1, x2 - x1, इस तरह हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, या सिंपल यस आप लिख सर। लेते हो y y1 x - x1, ये भी m के बराबर ही होता है, ये भी स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो इधर से हमारे पास ये दो पॉइंट्स थे उसके, तो इनका देखते हैं हमारे पास, वो बन जाएगा हमारे पास k माइनस प्लस 3 बन जाएगा, और दूसरा एच -1, हाँ ये आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट, जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करनी है, ये तो हमने इसकी फाइंड आउट की है ना, ये टेंजेंट लाइन ये थी, इसकी देखते हैं हम, इसकी हम इधर से निकाल लेते हैं। तो इसकी निकालने के लिए आपको पता है वाई को एक तरफ ले जाते हैं, वाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वाई प्लस हो जाएगा एक्स, ये बन जाएगा वाई इक्वल टू एक्स -4। तो इधर से हमारे पास आपको पता है ये होता है बेसिकली वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू इधर क्या आ रही है 1, तो ये परपेंडिकुलर लेनी है हमने, क्योंकि टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, 90 का एंगल बनाता है जिधर से मर्जी गुजरे। तो ये 1 आ गई, जब उसकी परपेंडिकुलर करेंगे तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल में हमारे पास वो, हमारे पास ये देखें स्लोप ऑफ नेगेटिव रेसिप्रोकल, वो हमारे पास बन जाएगी -1, वो हमारे पास बन गई 1। अब ये देखें स्लोप ऑफ रेडियल लाइन, सिंस रेडियल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, स्लोप ऑफ रेडियल लाइन ये जो है ए सी, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का हमारे पास आपको पता है कि m1
और एम टू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आता है, उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर। तो अब ये देखें हमारे पास, वो तो पहले ही हमारे पास माइनस वन के बराबर है, ये एक लाइन आ गई, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये जो निकाला है, तो इधर से हमारे पास एच और के की वैल्यू किसी एक की निकाल लें, के प्लस थ्री, ये एच माइनस वन दूसरी तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, इधर से के की वैल्यू निकाल ले। अब ये के की वैल्यू वो जो क्वेश्चन नंबर वन हमने बनाई है ऊपर, क्वेश्चन नंबर वन ये वाली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर वन में हम के की वैल्यू या एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसी ना किसी एक आध का आंसर आ जाएगा, वो जो आंसर आएगा वो दूसरे में पुट कर देंगे। ये देखें के की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, जहां जहां के आ रहा था वहां वहां पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई, ये क्वेश्चन बनेगी एच स्क्र माइनस टू एच, इसके पेयर्स नहीं बन रहे होंगे, इसके पेयर्स नहीं बने तो हमने क्या किया उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो हमारे पास एच की वैल्यू ये आ गई, अगर एच की वैल्यू ये है तो हम के की वैल्यू जब उसमें पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में एच की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हमारे पास h और k दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, h की वैल्यू भी है k की वैल्यू भी है, और हमारे पास जो क्वेश्चन होती है जनरल क्वेश्चन होती है, और सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन, उसमें h और k की वैल्यू चाहिए होती है और साथ रेडियस चाहिए होता है, तो हमारे पास ये लिखी हुई है x माइनस एच होल का स्क्वायर, दरमियान में प्लस आना प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अभी ये देखें h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली एक, ये प्लस में है और एक माइनस में है, दो है ना वैल्यू, एक वाली प्लस में है एक माइनस में है, तो ये देखें वन प्लस, कोई भी एक दफा ये पुट कर लें एक दफा वो पुट कर लें, तो वन प्लस अंडर रूट टू और माइनस थ्री, एक दफा ये एक दफा माइनस वाली, इधर माइनस आ जाएगा उधर फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, एक ये पॉइंट बनता है इसका, एक बनता है वन माइनस अंडर रूट टू और माइनस थ्री प्लस अंडर रूट टू, ये पॉइंट बनता है। तो अब ये वाली वैल्यू पुट की है एक्स माइनस, ये वाली वैल्यू सारी की सारी आ गई एच की जगह होल का स्क्वायर, प्लस वाई माइनस, अब ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास के की, वाई माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस उसका क्या था टू, टू का स्क्वायर आ गया फोर। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास जनरल फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगी, उसने नहीं किया बल्कि इधर ही छोड़ दिया, सिंप्लीफाई कर लें आप, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगी जो उसने स्टार्टिंग पे दी हुई थी। अली और इसका है कोई क्वेश्चन, ये तो खत्म ही होगी। अच्छा इस एक्सरसाइज में से ना आपने याद करना है ये अच्छे से, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी है, ये कम आता है पेपर में, ये दोनों क्वेश्चन आते रहे हैं पेपर में ना ज्यादातर, ये वाला आठवां और सातवां, आठवां तो है ही नहीं पेपर में सिलेबस में, तो ये अब सातवां लाजमी, मतलब इनके ये फार्मूलाज भी आते हैं कि जब टच एक्सटर्नली करते हैं तब क्या बनता है आंसर इनका रेडियस, तो जब इंटरनली करते हैं तब क्या बनता है। अच्छा अभी नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द सर्कल, कंसीडर द क्वेश्चन, कंसीडर जनरल क्वेश्चन क्या होती है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल, क्वेश्चन
क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में हमारे पास ये करना है, हमारे पास जो इसके ये वाले पॉइंट्स है ना, ये टू है, ये भी टू पॉइंट्स है, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में ऐसे एक्स एक्स वन, ये जैसे वाई है, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर ही बनेगा ना फिर। और मतलब इन शॉर्ट ये है कि आपने इनकी जगह रिप्लेस कर देना है एक्स, और अब ये देखें ये जी है ना, ये जी को छोड़ें, अभी इधर पीछे क्या रह जाता है 2x, आप इसको भी ऐसे लिखना है x प्लस एक्स, इधर f को छोड़ के पीछे रह जाएगा 2y, तो y को भी आपने लिखना है y प्लस y। अब वो आपने एक पॉइंट ले लेना है, वो जो पॉइंट है टेंजेंट का और एक पॉइंट नॉर्मल का। अब ये देखें एक्स स्क्वेयर है तो इसमें हमारे पास पॉइंट्स उसने ले लिए एक्स वन और वाई वन, तो ये बन जाएगा एक्स एक्स वन वाई वाई वन, जैसे ये अभी बताया आपको ये x प्लस एक्स वन कैसे आया, ये इसने g वैसे ही रहने दिया और इसको लिख लिया 2x, 2x को इसने कैसे एक्सप्लेन किया x प्लस एक्स वन प्लस f, उसका भी आपको अभी बताया y प्लस y, तो उसको y प्लस y एक पॉइंट पुट कर दिया। और ये c, ये आ गई हमारे पास टेंजेंट की, ये भी पूछता है पेपर में ना MCQs में, इसकी टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन। दूसरे में भी करना यही सारा काम है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना काम सारा का सारा वही आएगा हमारे पास। ये बेसिकली ये बनता है इस तरह y माइनस y1 ओवर y1 प्लस f इक्वल टू, इधर होता है हमारे पास x माइनस x1, जैसे उधर उसका ऊपर, इधर हमारे पास इसका नीचे आएगा x प्लस x1 प्लस g, उसमें f ऐड होता है, इसमें g ऐड होता है नॉर्मल में, ये क्वेश्चन इसकी आ जाएगी हमारे पास। अब इसका क्वेश्चन कौन कौन से हैं इस एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चन नंबर वन के दोनों पार्ट ही हैं। ओके, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं है, 6.3 नहीं है एक, 6.3 नहीं है और आई थिंक 6.5 भी नहीं है, सही 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 6.7 टोटल है। कैसी है, अरे एक सेकंड देख, ये 6.9 है। हाँ 6.9, कौन कौन सी नहीं, 6.7 है उसमें, दो मेरे ख्याल एक्सरसाइज 7 टोटल एक्सरसाइज है। हाँ टोटल टोटल 7, हाँ ये बात है, हाँ टोटल 7 एक्सरसाइज है, दो निकल जाएंगे, टोटल 7, 6.3 और 6.5, यस ठीक हो गया। अच्छा भी ये कहता है राइट डाउन द क्वेश्चन ऑफ सर्कल एंड, ओ सॉरी, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द सर्कल। अभी ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, इसका पॉइंट एट, ये दो पॉइंट्स उसने दे दिए, गिवन कर दिए। तो अब सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल जो है वो अभी जो हमने डिस्कस की है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर तो ये वाली थी उसमें ये वाली फॉर्म थी हमारे पास, इसके दोनों पार्ट्स हैं ना, इसमें हमारे पास ये वाली फॉर्म थी। इस फॉर्म को सबसे पहले तो आपको पता है कि इधर थ्री नहीं आना चाहिए, थ्री नहीं आना चाहिए, थ्री खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटली थ्री पे डिवाइड कर देंगे, फिर जी और एच, जी और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्स वन और वाई वन आपको पता है टेंजेंट के लिए कौन से पॉइंट, और पॉइंट उसने साथ दिया वाई वन और टेन बाय थ्री, वो उसमें पुट कर देंगे, तो इधर से ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए उसमें भी यही काम करेंगे सारा का सारा। ये अभी हमने, ये वाला जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया है, ये जो अभी पीछे दो हमने टेंजेंट और नॉर्मल के किए हैं ना, वो ये वाले थे। अब दूसरे में हमारे पास उसमें ऊपर वाले में क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ना,
ये तो हमारे पास इधर हो गया खत्म, जो क्वेश्चन नंबर इधर है फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास वो बेसिकली क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ना तो इसमें 2g मतलब g की वैल्यू है, ना इसमें f की वैल्यू है, c की वैल्यू तो हम कह सकते हैं चलो ये c की वैल्यू है। अब ये देखें, अब इधर से हमें क्या चाहिए, इसकी स्लोप भी चाहिए फिर, क्योंकि हमने इक्वेशन तो बनानी है ना, इक्वेशन बनाने के लिए। अब इधर से स्लोप चाहिए, स्लोप निकालने के लिए आपको पता है स्लोप को हम किस किस तरीके से लिखते हैं, m इक्वल टू m भी लिखते हैं, tan अल्फा भी लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं dy वाई बाई डी एक्स, किसी का डेरिवेटिव। ये तीनों चीज़ों का मतलब स्लोप ही है, ये तीनों चीज़ें डिफाइन करती हैं स्लोप को। m भी इसकी नोटेशन है, tan अल्फा भी लिख सकते हैं उसको, जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ हम m लिखते हैं, फोर्थ चैप्टर में लिखते थे, जहाँ में वो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना हो तो m की जगह हम tan अल्फा लिख लेते हैं, और जब डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव लें वो भी स्लोप को ही डिफाइन करता है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, अब इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव लिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे ओ सॉरी जनरल फॉर्म में नहीं है, जैसे ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो और एक पॉइंट हमें दे दें जैसे एक्स वन और वाई वन, वो पीछे वाले जो भी हमने देखे हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जस्ट इसकी जनरल फॉर्म को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके थ्री पे डिवाइड करके जनरल क्वेश्चन हो जाएगी, तो उसको हम सोल्व करेंगे आगे। अच्छा ऐसे है कि आज इतना ही कर लेते हैं, कल इसको ना आगे